बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, B4U SR ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सैफ और रहमान खान नियाज़ी को सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्तों की जमानत मिली, लेकिन इन 2 हफ्तों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शन दी है सैफ और रहमान खान नियाज़ी को कि वो तफ्तीश में तआवुन करें, नैब के साथ तआवुन करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि नैब की जानिब से सैफ और रहमान खान नियाज़ी को एक और तलबी का समन जारी किया गया है। उस समन में 16 सवाल भेजे गए हैं सैफ और रहमान खान नियाज़ी को और कहा गया है कि आप नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हों। 16 सवाल में क्या क्या है वो मैं प्रोग्राम में आगे चल के बताऊँगा। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि सैफ और रहमान खान नियाज़ी को तलबी का समन किस तारीख के लिए भेजा गया है, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने तलबी का समन जब चैलेंज किया था तो ये प्ली बनाई गई थी कि सैफ और रहमान खान नियाज़ी को नैब की तलबी का समन तो मौसूल ही नहीं हुआ, इसलिए वो पेश नहीं हुए। लेकिन उस वक्त भी नैब की जानिब से सवाल नामे भेजे गए थे और आज दोबारा सवाल नामे भेजे गए हैं। लेकिन मैं आपको नाज़रीन एक बात बताऊँ, ऐसा लगता है अपेरेंटली जो है कि जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है शेख शामी, उन्होंने बिल्कुल साइड मार ली है। अब उनकी जगह जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं राजा रियाज, जो हर जगह दिखते हैं, अब लगता तो ऐसा है कि B4U या SR ग्रुप के जो नए स्पोक्स पर्सन होंगे वो राजा रियाज होंगे, क्योंकि वो इंसान को शीशे में उतारने का फन जानते हैं। B4U के कुछ लीडरों ने मेरे से रابطہ किया, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने मेरे से रابطہ किया और ये कहा कि जो राजा रियाज है एक प्लानिंग के तहत तो वो सैफ और रहमान खान नियाज़ी के साथ अटैच हुए हैं, जबकि KPL के जो मैचेस हुए थे उसमें ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि राजा रियाज ने कुछ टिकटें फरोख्त की हैं, लेकिन उसमें कुछ सदाकत सामने नहीं आई, अगर होती तो लाजमी कोई ना कोई लपकशाई ज़रूर करता। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि एक जर्नलिस्ट ने जब सैफ और रहमान खान नियाज़ी से सवाल किया तो वो खामोश रहे, अलबत्ता जो उनके मोटिवेशनल स्पीकर राजा रियाज जो उनके साथ थे उन्होंने उसके जवाब दिए। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि राजा रियाज अगर सियासत में होते तो लाजमी कोई ना कोई सीट विन करते हैं, लेकिन वो इंसान को इस तरह बातों में उलझाते हैं, ऐसा फन रखते हैं जिस तरह अब लगता तो यही है जो B4U की टॉप मैनेजमेंट है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शायद उनमें कुछ सदाकत हो। क्योंकि जो लोग मेरे से रابطہ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखें, कंपनी जब इख्तितामी मराहल में है तो राजा रियाज क्यों करीब आए, इस वजह से कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ रابطہ रख के कोई और कंपनी ज्वाइन करवाएंगे। जिस तरह आमिर मुगल ने 5-star कंपनी बनाई, वहाँ पे B4U के बहुत से लोग ले गए, लेकिन ये तमाम कंपनियाँ हैं तो स्कैम करने वाली, क्योंकि इन्होंने एक अपना एम बनाया होता है इतनी मालियत का नुकसान देना है पाकिस्तानी अवाम को। माजी में देख ले जिस तरह अब जो एम शॉपिंग वर्ल्ड चला रहा है, एक जाली कैप्टन जो माजी में एक लीडर था, फिर अब उसने अपनी कंपनी बनाई और लोगों को कह रहा है जी वो कैप्टन है, हालांकि वो कैप्टन है ही नहीं, तमाम उसके जो भी प्रोजेक्ट हैं हवाओं में हैं। लोगों को वो लाहौर एक ऐसे होटल में बुलाता है, वहाँ पे क्या क्या करवाता है, वो तमाम तफसीलात एम शॉपिंग वर्ल्ड के हवाले से। लेकिन मैं फिर अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ कि एम शॉपिंग वर्ल्ड ये भी स्कैम करने वाली है, क्योंकि इसने भी स्कैम करके चले जाना है। 3 Genius कंपनी होगी वो भी आपके सामने है, कई दिगर कंपनीज आपके सामने हैं, GT जो माजी में थी, फिर जो पे डायमंड है उसका एम शॉपिंग वर्ल्ड का जो अभी मालिक है जो अपने आप को कैप्टन कहता है वसीम अकरम, वो उसमें रहा, उसमें नेटवर्कर था, उसमें लीडर था, फिर उसने वहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाया। लाहौर में वो बड़े लोगों को लूट रहा है, कराची में भी रिसेंटली लूट के आया, पेशावर में लूट के आया है, क्योंकि मैंने कहा था जो राहील है वो इसका करता धरता है, लेकिन अभी तक जो राहील का एक वर्जन था सामने आया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राहील के मतलब मज़ीद कुछ चीज़ें भी बताऊँगा कि राहील क्या वाकई ही जो जाली कैप्टन है उसके साथ मिला हुआ है। एक और खातून की मुझे कॉल आई थी, आई थिंक उसका नाम उज़्मा था, उसने भी कहा जी हम आपको रोक नहीं रहे लेकिन आप थोड़ा ख्याल रखें। अब उज़्मा माजी में आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में भी थी, कई और कंपनीज में भी रही होगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का तो आई थिंक था। और इसके अलावा शेख शामी जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है वो अब लगता है कि अब वो साइड पर हो चुके हैं। मैं नैब तलबी की समन जो नैब ने तलब की है सैफ और रहमान खान नियाज़ी को, उस हवाले से आपको बता रहा था। नैब ने जो समन जारी किया है सैफ और रहमान खान नियाज़ी के 4 एड्रेसेस पर भेजा गया है। पहला जो उनके घर का एड्रेस है वो है मकान नंबर 155 / 1 गली नंबर 19 DHA Phase 8 कराची। एक तलबी का समन वहाँ भी भेजा गया है,
दूसरा समन इनके दफ्तर भेजा गया है जो लिबर्टी टावर लिंक रोड ऑफिस नंबर 1 6th फ्लोर लाहौर। इसके अलावा जो तीसरा समन भेजा गया है, यानी कि समन एक ही है लेकिन चार मुख्तलिफ एड्रेसेस में भेजे गए हैं, क्योंकि सैफुर्रहमान खान नियाजी के पास तो सिर्फ एक ही जवाब होता है कि मुझे समन नहीं मिला, नैब का जो तलबी का समन था वो मुझे मौसूल नहीं हुआ। एक इनको मकान नंबर 1050 गली नंबर 25 ब्लॉक नंबर एल फेस 6 DHA लाहौर, और एक इनके इस्लामाबाद के घर का एड्रेस है मकान नंबर 84 गली नंबर 55 E113। ये वो चार एड्रेसेस हैं जहां पे नैब ने सैफुर्रहमान खान नियाजी को तलबी का समन जारी किया है, और इसके साथ 16 जो सवाल नामे भेजे गए हैं। ऑलरेडी नैब पहले भी सवाल नामे भेज चुके हैं लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब सैफुर्रहमान खान नियाजी की जानिब से नहीं आया, क्योंकि सैफुर्रहमान खान नियाजी की अगर बात करें तो नैब ये कहता है कि नैब की तारीख का सबसे बड़ा स्कीम है 116 अरब रुपये का। मुजारबा स्कैंडल का केस था 25 से 26 अरब रुपये का। और जो लोग कहते हैं जी नैब जब पैसे फ्रीज करता है तो पैसे नहीं मिलते, ये गलत है, आपको गलत गाइड किया जा रहा है। नैब इससे कबल भी जो मुजारबा स्कैंडल के मुतासरीन थे उनको रकम वापस कर चुका है, और रकम उस वक्त वापस होती है, ये अपने जहन में रखिए, जब केस का फैसला होता है, केस के फैसले से कबल आपको रकम वापस नहीं दी जाती। जो क्लेम आप करते हैं वो क्लेम नैब अपने पास रखती है और उसके हिसाब से आपको रकम वापस की जाती है। जो 16 सवाल नामे भेजे गए हैं, पहला सवाल है B4U और SR के नाम पर जितनी भी गाड़ियां खरीदी गई हैं, क्योंकि सैफुर्रहमान खान नियाजी लोगों को लालच देते हैं गाड़ियों का, उन गाड़ियों की फहरिस्त तलब की गई है कि वो बताएं किन किन को दी गई है, उनके नंबर्स क्या हैं, और जिनको दी गई है उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर्स क्या हैं। इसके अलावा तमाम इन्वेस्टर्स और तमाम मेम्बरान की फहरिस्त नेम और फ़ोन नंबर के साथ नैब ने जो सवालनामा भेजा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ये कहा गया है जी सैफुर्रहमान खान नियाजी कहते हैं कि वो अभी तक 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर चुके हैं, तो नैब ने अपना एक सवाल ये भी भेजा है कि B4U या SR अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट उठा चुका है, उसकी तमाम की तफसीलात जो नैब की तफ्तीशी टीम है उसके सामने पेश की जाए। नैब ने तलबी का समन किस तारीख का जारी किया वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको सवालनामे बता रहा हूँ। और ये वो चीज़ें हैं कि सैफुर्रहमान खान नियाजी अपने मुँह से इस चीज़ का तस्दीक भी करते हैं और मानते भी हैं कि उन्होंने लोगों को गाड़ियां भी दी हैं, वो ये भी मानते हैं कि 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने इकट्ठी की है। इसके अलावा B4U और SR के नाम पर जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में, उन तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात नैब हुकाम ने मांग ली हैं सैफुर्रहमान खान नियाजी से, क्योंकि सैफुर्रहमान खान नियाजी तो उनको लालची लोग मोसने पाकिस्तान कहते हैं लेकिन मैं उनको पाकिस्तान का बड़ा नसरबाज कहता हूँ, और वो सैफुर्रहमान खान नियाजी अपने आप को मलिक रियाज पार्ट टू कहते हैं, ये कई उन्होंने निजी जो महफिलें होती हैं वहाँ पे वो कह चुके हैं कि वो मलिक रियाज पार्ट टू हैं, इतनी जल्दी मलिक रियाज आप सैफुर्रहमान खान नियाजी साहब नहीं बन सकेंगे। इसके अलावा ये भी तफसीलात मांगी गई हैं कि जो गाड़ियाँ लीडर्स को दी गई हैं उनकी तफसीलात भी दें, उनके फ़ोन नंबर भी दें, उनके नाम भी दें और उन गाड़ियों का नंबर भी दें। इसके अलावा सैफुर्रहमान खान नियाजी कहते हैं कि भाई उनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं फिज़िकल, अब नैब ने तमाम फिजिकल प्रोजेक्ट्स की तफसीलात मांग रही हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में सैफुर्रहमान खान नियाजी यह दावा करते थे कि 400 एकड़ की ज़मीन है, अब देखते हैं कि नैब के सामने वो अपने कितने असासाजात शो करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की तमाम तफसीलात भी मांग ली गई हैं, तमाम जो लीडर्स थे जो डायरेक्टर्स थे B4U या SR की उनकी तफसीलात तलब की गई हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और सॉफ्टवेयर SR या B4U के नाम से जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दें, क्योंकि आपने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में देखा जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला था वो भी इस रेफरेंस में नामजद था, और अब लगता है ऐसा ही कि जो B4U या SR का सॉफ्टवेयर बनाने वाला है उसको भी रेफरेंस में नामजद किया जाएगा, क्योंकि वो इस पूरे खेल में आवाम को लूटने में वो भी शामिल है। सॉफ्टवेयर जब उसने बनाया तो लाजमी बात है उसने पैसे लिए होंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात नाजरीन कहा गया है कि सैफुर्रहमान खान नियाजी के अपने नाम 41 बैंक अकाउंट्स हैं, उन तमाम 41 बैंक अकाउंट्स के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्योंकि जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई थी उसमें नैब की जानिब से ये स्टांस लिया गया था कि सैफुर्रहमान खान नियाजी ने सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स की हैं, और फाइनेंशियल मोनिटरिंग यूनिट ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का। और सबसे अहम बात नाजरीन आपको मालूम है कि जो B4U के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है शेख शामी, वो ऑलरेडी अपने ज़ुबान से ये तस्लीम कर चुके हैं कि वो मलेशिया से हुंडी के ज़रिए
ممبران کو پیسے بھیجتے رہے ہیں. اب یہ وہ بات ہے کہ ایک بندہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, شیخ شامی نے وہ تسلیم کر لیا ہے. 41 بینک اکاؤنٹس کی بات ہے سیف الرحمان خان نیازی کے, جو 41 بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تمام ٹرانزیکشنز کب سے یہ اکاؤنٹ مینٹین کیے گئے ہیں, ان میں کتنا ڈیبٹ ہوا, کتنا کریڈٹ ہوا, کہاں کہاں پہ یوز ہوا, جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ تمام تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں نیب حکام کی جانب سے. اور انکم ٹیکس, جو انکم ٹیکس سیف الرحمان خان نیازی اپنا یا اپنی کمپنیز کا جمع کرواتے ہیں وہ بھی طلب کیا گیا ہے. یہ وہ 16 سوالات ہیں جو نیب نے سیف الرحمان خان نیازی سے ان کے جوابات مانگے, اور کہا ہے کہ 6 ستمبر کو, آج ہے 2 ستمبر, ابھی 3 دن سیف الرحمان خان نیازی کے پاس ہیں کہ 6 ستمبر صبح 11 بجے نیب ہیڈ کوارٹر میں تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو. اب دیکھتے ہیں, سیف الرحمان خان نیازی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سٹانس لے چکے ہیں کہ ان کو نیب کی طلبی کا سمن نہیں ملتا, لیکن اس دفعہ سپریم کورٹ نے واضح ڈائریکشن دی, اور سپریم کورٹ نے نیب حکام کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر سیف الرحمان خان نیازی نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوتا, تعاون نہیں کرتا, تو عدالت کو آگاہ کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ سیف الرحمان خان نیازی 6 ستمبر کو نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا دوبارہ سے وہی ڈرامہ رچایا جائے گا, جی ہمیں طلبی کا سمن نہیں ملا. میں نے آلریڈی آپ کو بتا چکے ہوں کہ 4 جو ان کے ایڈریسز تھے ان پہ طلبی کا سمن جاری کر دیا گیا ہے 6 ستمبر کے لیے. اب سیف الرحمان خان نیازی کو جو 16 سوالات ہیں وہ میں اپنے ناظرین کو بتا چکا ہوں, یہ سوالات ہیں, ان کی تفصیلات مانگی گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کو سیف الرحمان خان نیازی نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا دوبارہ کوئی ڈرامہ کیا جائے گا یا دوبارہ بیماری کا ڈرامہ کیا جائے گا, جس طرح آلریڈی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پیشی تھی تو کہا تھا جی وہ بیمار ہو گئے ہیں, اور انہوں نے تصویریں بھی وائرل کی, کیونکہ سوشل میڈیا تو وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور لمحہ بلمحہ اپنے ممبران کو لوٹنے کے لیے وہ آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں. اب ایک رہی بات انٹرنیشنل اسپوکس پرسن شیخ شامی کی, دیکھتے ہیں اب وہ کس اسٹیج پر کھڑے ہوں گے, کیونکہ راجہ ریاض کو تو میں نے یہ کہا تھا جناب کہ اگر آپ کی کمپنی غلط ثابت ہوگی تو آپ کس جگہ پر کھڑے ہوں گے, کیا آپ دوبارہ کسی اور کمپنی کو جوائن کر کے پھر پاکستانی عوام کو لوٹیں گے, یا آپ سیف الرحمان خان نیازی کے ساتھ رہیں گے. جیسے آل پاکستان پروجیکٹس کا مالک آدم امین چودھری گرفتار ہوا تو ابھی تک وہ باہر نہیں آیا اور اس کے پیچھے اب لوگ بھی نہیں آ رہے, لگتا ہے محسن پاکستان فراڈی پاکستان, سیف الرحمان خان نیازی جب گرفتار ہوں گے تو ان کے پیچھے بھی شاید کوئی لوگ نہ آئیں, کیونکہ جن کے پیسے ڈوبے ہیں تو وہ اپنے پیسے واپسی کے لیے تگ و دو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.